अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दुआ है अल्लाह की ज़ात से तमाम देखने वाले लोग साथ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्किस पॉइंट, गुजरनाला और कबायली इलाके। यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेशन से पहले की सूरत हाल और उसके बाद क्या सूरत हाल है वो सब आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो मेरे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। आज 26 अगस्त सन 2021 और जुमेरात का दिन है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, इदारे के अफसरान मौजूद हैं और कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस जगह पर कबायली इलाके में स्टे ऑर्डर था जिसको कैंसिल करके अब जितने भी नाले पे तजावीज़ात हैं उनको तोड़ा जा रहा है। इससे पहले की वीडियो पर भी मैंने आपको इसकी अपडेट दी थी। आज तो आज मैं आपको ऑपरेशन के बाद शाम तक की सूरत हाल से आगाह करूँगा और शाम के भी मनाज़िर दिखाऊँगा कि टूटने के बाद क्या सूरत हाल रही आज के दिन की। ये पूरी पट्टी, ये पॉइंट जो है, ये कबायली इलाके का पॉइंट है, ये गुजरनाले का। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मशीन बल्ब को हटा रही है और कुछ एरिया को तोड़ा भी जा रहा है। आज इस वीडियो में आपको मैं वो तमाम मनाजिर दिखाने की कोशिश करूंगा कि टूटने के बाद क्या मनाजिर होते हैं और मलबा किस तरह पड़ा हुआ होता है। ये मकान तो मेरे साथ रही है और देखते रहिए। इस वक्त एक मशीन काम कर रही है। ये देखें, ये टूटने के बाद जहाँ मशीन काम कर रही थी मैं उस तरफ आया हूँ। ये मशीन खड़ी हुई है। ये तमाम मकान थे ये तोड़ दिए गए हैं और ये सामने मस्जिद का हिस्सा है वो भी आधा कटिंग में आ रहा है। इसको भी तोड़ा गया है और तोड़ा जा रहा है। ये मस्जिद का हिस्सा है जिसके अंदर और ऊपर लेबर लगी हुई है। ये आधा हिस्सा जो है वो नाले के ऊपर मौजूद था, लिहाजा इसको तोड़ा जा रहा है। पुलिस की काफ़ी नफरी भी मौजूद है। फ़िलहाल एक पुलिस वाला आपको नज़र आ रहा है और इदारे के अफसरान जो बैठे हैं काम करा रहे हैं इस वक्त कटिंग में शामिल है। ये मस्जिद का हिस्सा है, ये आधा हिस्सा जाएगा। ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें, ये वजू खाना है जो एक्स्ट्रा भार बनाया गया था नाले की साइड पे, इसको तोड़ा जा रहा है क्योंकि ये कटिंग में शामिल था। ये मलबा पड़ा हुआ है मकानातों का टूटने के बाद। इस वक्त आपको इदारे के अफसरान भी मौजूद होंगे नज़र आ रहे हैं, लेबर भी नज़र आ रही है और शाम का टाइम हो चुका है। ये यारो खान, आज इनको कोई वर्किंग नहीं दी गई, इनको बड़े मकान दिए जाएंगे जो आगे हैं वो तोड़ेंगे। ये मलबा है, इधर पहले मकान बने हुए थे जो अब ज़मीन बोझ हो चुके हैं। मशीन मलबे के ऊपर खड़ी है, शाम का टाइम हो चुका है। थोड़े बहुत मजदूर लगे हुए हैं। एलटी मशीन के चलने की आवाज़ है। ये सब आगे का ट्रैक आ गए हैं, ये तोड़ा जाएगा। नाले की ये पोजीशन है, सामने वाला पॉइंट पे भी कुछ मकान आते हैं कटिंग में, वो भी तोड़े जाएंगे। लेकिन वहाँ काफ़ी चौड़ी जगह मौजूद है, अब मकान तोड़े जा चुके हैं। ये स्क्रीन पर आपको लोगों का सामान बाहर निकला हुआ है जो अब लेके जाएंगे अपने साथ। और ये देखें, ये सब मलबा पड़ा हुआ है।
ये कुछ अफसरान बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, 5 का टाइम हो चुका है। मस्जिद, वो मस्जिद का मैं आपको बता रहा था कि वो आधा। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।